क्या आपको पता है कि अगले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में जूनियर एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट का एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं होगा? तो बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जेईई और नीट एग्जाम को सीयूईटी के अंतर्गत लाने का प्लान कर रहा है। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसका रीजन ये माना जा रहा है कि छात्रों को अलग अलग एग्जाम देने का जो बोझ है उसको कम किया जा सके। आपको बता दें कि जेईई मेन का एग्जाम देश भर में प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश के लिए किया जाता है तथा नीट का एग्जाम स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। और विशेषज्ञों तथा यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार का मानना है कि सीयूईटी के एग्जाम को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि छात्रों को मल्टीपल एग्जाम नहीं देना पड़े। सीयूईटी शुरू होने के पश्चात देश भर में तीन प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं हैं, सीयूईटी, नीट और जेईई। इन तीन प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में लगभग विद्यार्थी दो परीक्षा देता है और कई विद्यार्थी तो तीन परीक्षा भी देता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि नीट में छात्रों की बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स होती है और जेईई में बायोलॉजी की जगह मैथ आ जाती है, तो ऐसे में दो विषय तो कॉमन हो जाते हैं। हालांकि इस विचार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, पर अगर ये हो जाता है तो फिर सीयूईटी का एग्जाम देश का सबसे बड़ा एग्जाम बन जाएगा। थैंक यू सो मच।